आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सगड़ी क्षेत्र के डॉक्टर राम नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंगईपुर में छात्र पहुंचने लगे। काफी दिनों बाद विद्यालय खुलने से छात्र भी उत्सुक रहे। महाविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा था। बता दें कि सगड़ी क्षेत्र में स्थित डॉक्टर राम नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंगईपुर के खुलने के बाद महाविद्यालय में छात्रों का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा अच्छी व्यवस्था की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में बच्चों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। डॉक्टर राम नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है। मैं प्रियंका प्रजापति हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं MSc फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल का नाम मेरा डॉक्टर राम नरेश PG कॉलेज है। और इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफी दिन हो गए स्कूल खुले हुए, क्या आपके स्कूल में सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? यस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारा कॉलेज खुला है। क्या क्या किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग में? सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे कॉलेज में मतलब सभी लोग मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइजर यूज होता है, मतलब ऐसे वगैरह करते हैं। अच्छा, टीचर लोग भी पहन के मास्क उकसाते हैं? यस सर, टीचर लोग एंड टीचिंग भी सभी लोग मास्क लगा कर आते हैं। आपका परिचय सर? मैं शिव प्रसाद यादव, डॉक्टर राम नरेश PG कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट का प्रवक्ता हूँ। क्या काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी दिन हो गए स्कूल खुले हुए जी, क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है? सर, मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, और हमारे यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अध्यापक वृंद पालन करता है, बड़े भाव लिपिक वृंद पालन करता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल जो कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। और क्या किया जा रहा है? और दो गज की दूरी बनाकर सभी छात्र छात्राएं बैठते हैं, अध्यापक लोग 2 गज की दूरी बनाकर बैठते हैं। और बच्ची और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं छात्र छात्राओं को कि सभी छात्र छात्राएं कोविड गाइडलाइन का पालन करें, और अध्यापक प्रवक्ता वृंद करें, लिपिक वृंद करें, और हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करा करके बहुत ही उत्तम और बेहतरीन काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।